नमस्कार. आज दिनांक 1 फेब्रुवारी 2014. आजची तिथी माघ शुद्ध द्वितीया. वार शनिवार. दिनविशेष: 1 फेब्रुवारी 2003 ला अंतराळवीर कल्पना चावलाचं निधन. 1 फेब्रुवारी 2012 ला प्रसिद्ध संगीतकार अनिल मोहिले यांचं निधन. 1 फेब्रुवारी 1964 ला युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाची स्थापना. सिटी न्यूजच्या प्राईम टाईम बातमीपत्रात तमाम दर्शकांचं हार्दिक स्वागत. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. बातमीपत्रात बघूया ठळक घडामोडी. चला बघूया बातम्या विस्तारित स्वरूपात. आता बातम्या गुन्हेगारी जगताच्या अर्थात क्राईम वॉच. जयस्तंभ चौकात शुक्रवारी रात्री जखमी व्यक्ती आढळला. याला पोलिसांनी इरविनमध्ये दाखल केलंय. या व्यक्तीचं नागाव पत्ता कळू शकलेलं नाही. त्याच्यावर इरविनमध्ये उपचार सुरू आहेत. 26 जानेवारीला देवीदास गोविंदराव नाखले हे 68 वर्षीय भंते बडनेरा रेल्वे रूळ ओलांडत असताना त्यांचा पाय अडकला होता. रेल्वे ट्रॅकवर भंतेचा पाय अडकला व तेवढ्यात इंजिन आल्याने त्यांचे पाऊल कटले होते. त्यांना इरविनमध्ये दाखल करण्यात आलं. 5 दिवसांपासून त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, मात्र ते निष्फळ ठरलेत. भंतेंचा मृत्यू झालाय. इरविन चौक ते मालवीय चौक दरम्यान मार्गावर एका महिलेचा अपघात झाला. या महिलेला 2 वाहतूक पोलीस व 2 महिला कॉन्स्टेबल यांनी रुग्णालयात दाखल करून माणुसकीचा परिचय दिला. इरविन ते मालवीय चौक मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक खोळंबते आहे. येथे 55 वर्षीय कठोरा निवासी महिलेचा अपघात झाला. या महिलेला 2 वाहतूक पोलीस व 2 महिला पोलीस कॉन्स्टेबलने इरविनमध्ये दाखल केलं व माणुसकीचा परिचय दिला. जयस्तंभ चौकात शुक्रवारी रात्री जखमी व्यक्ती आढळला. याला पोलिसांनी इरविनमध्ये दाखल केलंय. या व्यक्तीचं नागाव पत्ता कळू शकलेलं नाही. त्याच्यावर इरविनमध्ये उपचार सुरू आहेत. शहर कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जयस्तंभ चौकात शुक्रवारी रात्री 7:15 जखमी व्यक्ती आढळला. त्याचं वय अंदाजे 24 ते 25 वर्षे आहे. याला शहर कोतवालीचे बक्कल क्रमांक 487 शत्रुघ्न गवई यांनी इरविनमध्ये दाखल केलं. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. बेशुद्धावस्थेत असल्याने हा जखमी व्यक्ती आपलं नाव गाव पत्ता सांगू शकलेला नाही. बातमीपत्रात टाकूया सामाजिक व राजकीय घडामोडींवर एक नजर. मुस्लिम ब्लॉक शहरच्या वतीने हेल्पलाईन अंतर्गत भारनियमनाविरोधात साखळी उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला चिमुकल्या शालेय विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा दिलाय. 5 फिडरवरील भारनियमनाविरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रवादीनेही या आंदोलनाला समर्थन दिलं आहे. हेल्पलाईन मुस्लिम ब्लॉक शहरच्या वतीने 5 फिडरवरील भारनियमनाविरोधात साखळी उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाला युनिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा दिला. हे चिमुकल्या आंदोलनात सहभागी झालेत. परीक्षा नजीक आल्या आहेत, परंतु भारनियमनाने अभ्यास होत नसल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. या आंदोलनाला विविध संघटनांनी समर्थन दिलंय. अमरावती जनविकास, बहुजन समाज, मुस्लिम मेमन बिरादरी, युवा स्वाभिमान, लोक सन्मान परिषद, उर्दू शिक्षक, ऑटोमोटर पार्ट्स असोसिएशन, इंडियन मुस्लिम लीग, शिवसेना, अमरावती चालक मालक ट्रक असोसिएशन, अमरावती एजंट असोसिएशन यांनी समर्थन दिलं आहे. अभी तक तो विद्यार्थी आए, हमको सभी स्कूलों के तरफ से अभी यहाँ पर सिर्फ एक हाई स्कूल प्रेरणा कॉलोनी के ही विद्यार्थी आ चुके हैं. अभी रोड पर आएंगे, इस गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा. अगर से इस विद्यार्थी मुस्लिम ब्लॉक अमरावती शहरच्या साखळी उपोषणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव संजय खोडके यांनी पाठिंबा दिलाय. त्यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. राष्ट्रवादी आंदोलकांसोबत असल्याचं सांगून उपोषण बंद करा व 15 दिवसांचा वेळ द्या अशी मागणी त्यांनी आंदोलकांना केली.
15 दिवसात भारनियमन बंधन झाल्यास आपणही स्वतः उपोषणाला बसू, असं संजय खोडके म्हणाले. हे आंदोलन आपने जो चालू किया है, इसका मेरा और मेरे पार्टी के सभी लोगों का तुम्हारे साथ, हम साथ में रहेंगे. ये मैं आज इनकलाब इनकलाब इसके बाद में एक मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आंदोलन में मैं अभी तक ये आंदोलन में नहीं, मैं आज तक अमरावती के कोई आंदोलन में मैं खुद होके कभी गया नहीं. आज मैं पहली बार तुम्हारे ये आंदोलन में आया हूँ. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक 15 दिन की मोहलत और मेरे को दो. 15 दिन में अपन इसमें से अच्छी तरीके से हल निकालेंगे, और 15 दिन में नहीं निकलता है तो पहले मैं उपोषण को आपके साथ. लेकिन अभी थोड़ा सा अपन उसको और आंदोलन आपने, मैं अभी आते टाइम यहाँ से आपकी बात सुन रहा था, कोई भाषण कर रहा था, वो बोल रहा था कि हम शांतितापूर्वक आंदोलन कर रहे हैं. और मेरा यही कहना है कि अपन जो भी है, आप सज्जन बैठ के चर्चा करो. मैंने बोल दिया विड्रॉ करो, ऐसा मेरा कहना नहीं कि मैं आया और विड्रॉ हो जाने को ना, और मेरे को पॉलिटिकल मैलेज होना, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ. लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने को, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को टाइम दो. अगर मैं सरकारी लेवल पे मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं और मेरे सब कार्यकर्ता, मेरी पार्टी आपके साथ में ये आंदोलन में 100% साथ में. इसमें एक दो चीज़ें जो है वो चीज़ें वो अधिकारियों को मैंने बोला है, और वो उसमें से अपन 100% रास्ता निकाल लेंगे ऐसा मेरे को लगता है. और वो कोशिश एक 8-10 दिन उसमें लगेंगे, और वो अगर निकल गया तो अपना लोड शेडिंग अपार्ट पूरा कम हो जाएगा. मात्र आंदोलकांनी ते मानलं नाही. गेल्या 2 वर्षांपासून आम्ही भारनियमनाविरोधात झगडत आहोत. आता भारनियमन बंद होण्यासाठी कितीही काय उपोषण करावे लागले तरी 72 आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मुस्लिम ब्लॉकची आहे. आपने जो सजेशन दिया है कि हमारी ऊपर बात हुई है, 15 दिन का हमें समय दिया जाए, ऐसा आश्वासन हमको कई बार मिल चुका है. 1.5 साल में हमने ऐसे आश्वासन हर बार, अभी तो आप खुद दे रहे हैं हमको, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया तो कुछ नहीं हुआ, तो अभी आप खुद आश्वासन दे रहे हैं. हम यहाँ बैठे इसलिए है कि जब तक कि इसका पूरी तरीके से निवारण नहीं होता हम उठने वाले नहीं है. चाहे 15 दिन लगे या 15 महीने लग जाए, हम यहाँ बैठे रहेंगे. अभी तो हमारा ये आंदोलन उपोषण है, सरकारी उपोषण है, सक्रिय उपोषण है. लेकिन मैं आप लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूँ कि अगर ये मसला हल नहीं होता है तो हम, हमारी टीम हेल्पलाइन मशवरा करेंगी. हाजी रम्मू शेख, अनवर ताज और हमारे साथ में जो भी आमरण उपोषण एकदम अंत्याग उपोषण पे बैठने वाले हैं, हम इसका भी ऐलान करेंगे. एरिया में जो समस्या है लोड शेडिंग की, बहुत खतरनाक है, इसका हल निकलना चाहिए. और हम इसी के लिए बैठे हैं, जब लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, एक ही ऑर्डर मिल जाएंगे हमको कि लोड शेडिंग पूरी तरह से खत्म हो गई, हम ये हड़ताल खत्म करते हैं. तो महावितरण लोड शेडिंग मुक्त करने के लिए तैयार है, लेकिन विडंबना यह है कि MERC की जो गाइडलाइंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसकी गाइडलाइंस ये कहती है कि पावर ऑडिट जो हो इंटीग्रेटेड ना होते हुए फीडर के ऊपर निर्भर करे, फीडर के अनुसार हो, वास्तु स्थिति समाज की इसको ध्यान में रखना प्रशासन का दायित्व है. भारत का संविधान ये कहता है कि मूलभूत सुविधाएं समान तरीके से तमाम नागरिकों को मिलना ये संविधान की देन है और शासन का ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है. तो मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा संजू भाव जी खोड़के और श्रीमती सुरभाताई जी खोड़के, इनके माध्यम से प्रशासन से मेरा ये प्रश्न है कि पावर ऑडिट फीडर आधारित क्यों किया गया? क्या समाज की वास्तु स्थिति को उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया था कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग सामाजिक लेवल के लोग रहते हैं, कहीं पे गोर गरीब रहते हैं, कहीं गरीब लोगों की बस्तियां होती है, कहीं जो है तो लेबर क्लास लोग रहते हैं, कहीं जो है तो हाई क्लास लोग रहते हैं. लिहाजा ऐसी बस्तियों में ऐसे लोगों की अक्सरियत बस्ती है कि जिनके खाने के वांदे हैं. आज जो है तो 2 वक्त की रोटी रोजी कमाना जो है समाज के लिए मुश्किल हो रहा है. महंगाई इन्फ्लेशन जो है तो उरूज पर है. तो संभव है, ये मुमकिन है कि कहीं पे बिल भरने में आगे पीछे होते हैं, मुमकिन है कि कुछ लोग जो है तो खाचे भी डालते होंगे, आप इनकार नहीं कर सकते. तमाम ही पार्टीज के लोग जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया उनके माध्यम से, तो प्रशासन जागो, नींद से जागो,
वास्तु स्थिति को समझो। पावर ऑडिट जो आप करवा रहे हैं एनईआरसी के गाइडलाइंस के हिसाब से, वो फिंडर आधारित ना होते हुए बल्कि पूरे शहर का एकत्रित तरीके से इंटीग्रेटेड पावर ऑडिट होना चाहिए। और मेरा चैलेंज है 20-25% के बीच में पावर लॉसेस है, शहर जो है वैसे ही लोड शेडिंग मुक्त है। मैं संजू भाऊ खोड़के इनके माध्यम से एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछली बार में डॉक्टर सुनील देशमुख के रहते हुए लोड शेडिंग मुक्त अमरावती की गई थी, उसमें जो अधिभार लिया जा रहा था लोड शेडिंग मुक्त करने के लिए, जो पैसा लगाया गया प्रत्येक उपभोक्ता के बिल में, आज तक वो पैसा जैसा कि तैसा वसूल किया जा रहा है। सबसे मुस्लिम क्षेत्र में भी सारे बिलों में अधिभार लग के आ रहा है, लेकिन लोड शेडिंग अपने जगह पर जैसी की तैसी बनी हुई है, इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि भाई आज तक की जो पैसा वसूला किया गया जनता से, तो उसका भुगतान कौन करेगा और उसका लॉसेस जो कंपनी द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो लॉसेस बताए जा रहे हैं, उसका कंपनसेशन जो है ये अभी तक हुआ कैसे नहीं, ये भी देखने जैसी बात है। और हेल्पलाइन जो है इस निरंतर इस आंदोलन को चलाती रहेगी जब तक केस का पूरी तरीके से समाधान नहीं होता। जैन संत निरंजन मुनी यांचा अपघाती मृत्यू झालाय, तर त्यांच्या समवेत असलेले दुसरे संत विनय मुनी भीम गंभीर जखमी झाले आहेत। निरंजन मुनींच्या निधनाने जैन बांधवात शोकाकुल वातावरण आहे। नागौर येथे निरंजन मुनींवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। नागौर जोधपूर महामार्गावर शुक्रवारी सकाळी जैन संत निरंजन मुनी व संत विनय मुनी भीम हे विहारासाठी निघाले असता त्यांना वाहनाने धडक दिली, त्यामुळे निरंजन मुनी घटनास्थळीच निजधामाला गेले, तर त्यांच्या समवेत असलेले विनय मुनी भीम हे गंभीर जखमी झाले। त्यांची प्रकृती आता धोक्याबाहेर असल्याचं समजते। या अपघाताने जैन समाजात शोकसंतप्त वातावरण आहे। नागौर येथे जैन मुनींवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। जैन मुनींना अशा प्रकारे मृत्यू यावा याबद्दल समाजबांधव शोकाकुल झाले आहेत। जैन संत मुनी कधीही वाहनाचा वापर करत नाहीत, साधे पादत्राणेही न वापरता हे मुनी संत भारतभ्रमण करतात। अशा प्रकारची घटना घडण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी। मेरा निवेदन है कि आज जो एक्सीडेंट धारा प्रवाह हो रहे हैं, कभी राजस्थान में, कभी MP में, कभी UP में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, ये एक जैन समाज के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। मेरा निवेदन है कि जैसे 4-व्हीलर बनाए जाते हैं, वैसे क्यों नहीं एक ऐसी धारा निकाल दी जाए कि जिस पर केवल 2-व्हीलर और पैदल चलने वाले ही चलें, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। यह मेरा सुझाव है, निवेदन है। इस पर हमारी सरकार गौर करेगी तो एक्सीडेंट का काफ़ी बचाव हो सकेगा। ओम शांति। अभी फिलहाल ही जैन संतों का राजस्थान में नागौर के पास